एल्युमिनियम पढ़ लिया था हम लोगों ने, क्रोमियम पढ़ लिया था, अभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आयरन। ठीक है, तो देखो आयरन में क्या टेस्ट होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आयरन का, आयरन अगर मैं डाल दिया के आई है ना, आई माइनस, ध्यान से देखना। देखो अभी तक क्या होता था कि आई की पीपीटी बन जाता, मतलब आपने इससे पहले ना एल और क्रोमियम जितने भी आपने इससे पहले जितने भी लिए थे पीबी है ना, सब क्या बनता, पीबीआरटी पीपीटी बना रहता था। इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये काम करेगा जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये काम करेगा जे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडॉक्स। ठीक है, और अगर एक्सेस में डाल दिया आई माइनस तो ये बना लेगा एफ ई आई टू, मतलब आपको एफ ई आई थ्री की पीपीटी नहीं मिली, बस समझ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, नोट क्या आएगा कि एफ ई आई थ्री डज नॉट फॉर्म, एफ ई आई थ्री फॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ, बिकॉज रेडॉक्स विल अकर, बिकॉज रेडॉक्स विल अकर। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहला ऐसा मैं बता रहा हूं भाई साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट कटायन है, तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पहला ऐसा कटायन है जहां पे आपको आयरन और आयोडीन पीपीटी नहीं मिलेगी, जहां पे आपको क्या मिलने वाला है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। क्या होने वाली है, रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली। ठीक है, चलो बताओ दूसरा कौन सा। देखो ध्यान से, मैं इसमें डी ब्लॉक भी कवर कर दे रहा हूं। क्या कवर कर दे रहा हूँ, डी ब्लॉक भी कवर कर दे रहा हूँ, मतलब सिलेबस में तो आरएम प्लस थ्री है, लेकिन एडवांस वाला आरएम प्लस टू भी पूछ सकता है। तो मैं आपको प्लस थ्री और साथ में कौन सा, प्लस टू, दोनों बता दे रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। एफ ई प्लस थ्री इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड और एफ ई प्लस टू इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा एफ ई सी एन का होल थ्राइस और ये बन जाएगा एफिशिएंट का होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा सोचो, मे बी आप भूल चुके होगे, मैं बस आपको याद दिलाता हूं, ठीक है, काफी दिन हो गया है ना मेमोरी में, याद आ रहा, डिप्स, डी ब्लॉक इनसॉल्युबल, पी ब्लॉक सॉल्युबल, ये था केआई के लिए है ना, केआई वाला, डी ब्लॉक इनसॉल्युबल, पी ब्लॉक सॉल्युबल, एक्सेप्ट क्या था, एचजी टू प्लस। अगर मैं यही बात करता हूँ साइनाइड वाला, क्या बात करता, साइनाइड उल्टा वाला, होगा, तो क्या होता है, उल्टा, डी उल्टा ब्लॉक होगा। सॉलिबल और पी ब्लॉक इनसॉलिबल। तो ये क्या है मेरे भाई, ये डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक वाला क्या हो जाएगा, सॉलिबल हो कॉम्प्लेक्स जाएगा। बनाएगा, सॉल्युबल, तो अब हम कैसे बनाए कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे बन एफिशिएंट जाएगा सिक्स, एफ ई सी एन सिक्स, यहाँ पे प्लस थ्री है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस थ्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा के थ्री एफ ई सी एन सिक्स, तो हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, फोर एफ ई सी एन सिक्स। ठीक है, एक बनेगा के थ्री एफ ई सी एन सिक्स और एक के फोर एफ ई सी एन सिक्स। कलर की बात करो तो ये आपको मिलेगा रेडिस ब्राउन, मतलब आप चाहो तो सिर्फ यही पढ़ सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि अगर वो प्लस टू पूछा तो क्या होगा, तो ये आपको रेडिस ब्राउन की पीपीटी देगा और ये आपको देगा येलोइस ब्राउन। ठीक है, और ये जो है ये तो सॉल्यूशन नहीं, पीपीटी नहीं है, तो अपना जो फेवरेट है उसका कलर क्या है, पेल येलो। तो मैं फिर से बोलूंगा, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूं ये एक्स्ट्रा है, आप आयरन प्लस थ्री फोकस कीजिएगा। ओके ठीक है, चलो, बर्नो नहीं आया, देख लें इसे ध्यान से। देखो चलो, थर्ड एफ ई प्लस थ्री इन प्रेजेंस ऑफ एच टू एस, यहां भी ये काम करेगा रिडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका घटाएगा कहां ले जाएगा, एफ ई टू प्लस में, और अपना बढ़ाएगा कहां पे, सल्फर में। कैसी होती है इसकी टर्बिडिटी,
व्हाइट बोल येलो रहे शाइन। येलो, व्हाइट येलो टर्बिडिटी, ठीक है, कई बता रखे हैं कि सल्फर का होता है, है ना। तो सिमिलरली अगर आप ये डाल दो, क्या NH4 2S, तो यहां से भी आपको सल्फाइड ही मिलेगा, क्या हो जाएगा ये Fe2+ और S। अगर आपने डाल दिया एक्सेस में तो बन जाएगा FeS, आयरन का सल्फाइड। क्या लगता है किस कलर का होगा, बता रखे हैं ऑलरेडी? ये नहीं बताया। अच्छा नहीं दादा, कोई बात नहीं, फिर ब्लैक। ये क्या है, ब्लैक। सॉल्युबल इन किस में, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो किसमें सॉल्युबल है ये, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में, ठीक है। फोर्थ, ध्यान से Fe3+, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, इसलिए मैं बोलता कि आप रिवाइज करके आइएगा। Fe2+ NaOH, सिमिलरली NH4OH। क्या बनेगा, याद आ रहा है क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। और इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। और एक इतनी प्यारी बुक है जेडली, उसमें आपको लिखा मिलेगा डर्टी ग्रीन, मतलब ये क्या ही है भाई साहब, पिक्चर बन रही है ना, मतलब केमिस्ट्री कलर देख रहे हो। सबका कलर डर्टी डर्टी ग्रीन। हाँ मतलब, अरे सब मतलब आयरन के जो हाइड्रोक्साइड है वो ग्रीन है ऐसा, ठीक है। अच्छा आप बताओ एक्सेस में क्या होने वाला है, एक्सेस में क्या होने वाला है, कोई सॉल्युबल होगा क्या, सोचो क्या है ये। अब मैं देखो कई दिन हो गए इसलिए भूल गए होगे, क्या ये एम्फोटेरिक मेटल है, बोलो हाँ है ना। नहीं, नहीं एम्फोटेरिक मेटल तो नहीं नहीं भूलेगा ये। तो ये क्या होंगे, इवन सब क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे ये सब के सब, क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ओके। चलो देख, मतलब ये बहुत ही बेसिक सा है, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। आयरन आप इतनी बार पढ़ते हो इसलिए आपको याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो मैं छठा लिखूंगा ना वो आपको पहले से पता होगा, देखना जो मैं छठा लिखूंगा अभी, आप देखना आपको पहले से पता होगा। सर कैसे, ये देखो मे भी आपको कलर याद आ जाए, Fe3+ और HCN, ब्लड रेड। ब्लड रेड बताया था मैंने, FeHCN का होल था, ऑलरेडी डन है, बस रीजन के लिए कैसा है ब्लड रेड। ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखेगा कि Fe H2O का 5 HCN, बताओ डब्बे पे चार्ज कितना आएगा, सोचो Rm+3 है, इस पे 0, इस पे -1, कितना आ जाएगा +2। अच्छा लेकिन बताओ क्या Fe+2 ब्लड रेड देगा, नहीं, ये आपको ब्लड रेड कलर नहीं देगा, रिएक्शन हो जाएगी, ब्लड रेड नहीं देगा। बताओ क्या आप, आपसे क्या पूछेगा कि Rm+3 को Rm+2 से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या बोलोगे, डाल देंगे थायोसाइनेट, क्या डाल देंगे, थायोसाइनेट। ब्लड रेड आया तो +3 और नहीं आया तो क्या बोलेंगे, +2। तो ये जो रिएक्शन है क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्शन बिटवीन, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, Rn+2 एंड Rn+3, +2 और +3 बीच में कैसे आप सेपरेट करेंगे। इसमें एक टर्म कंडीशन है, क्या, नाइट्रेट आयन नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट आयन शुड बी क्या, एब्सेंट।
ये एब्सेंट होना चाहिए सर, क्यों? नहीं तो ये खुद रिएक्शन कर लेगा एससीएन से और दे देगा ब्लड रेड, एनओ प्लस और एससीएन माइनस, इसे बोलेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्लोराइड माफ सरकार थायोसाइनेट। और चूंकि ये भी रेड कलर का है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये रेड आयरन से आया है या फिर नाइट्रेट से आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Fe3+ में अगर मैं डाल दूं, Fe3+ में मैं डाल दूं H2S, आपको याद आ रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, बताओ कौन से मीडियम में होगी रिएक्शन? बेसिक मीडियम में होगी, ये सफिशियंट एच प्लस मिलेगा आपको, एच टू मैस मिलेगा, क्या बनेगा Fe2S3। FeS भी ब्लैक था और ये भी क्या है, ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयरन प्लस थ्री और Na2CO3, ये गजब की रिएक्शन है भाई साहब, 99% विल फेल, बताओ कौन बताएगा क्या बनने वाला है? सर FeOH3। FeOH का होल थ्राइस, अच्छा ध्यान से, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये डर्टी ग्रीन OH का होल ट्वाइस वाले का है ना, मतलब FeOH का होल ट्वाइस तो डर्टी ग्रीन है, अगर OH का थ्राइस होगा तो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। OH का अगर थ्राइस है तो रेडिश ब्राउन होगा, अगर OH का ट्वाइस होगा तो ग्रीन होगा, ठीक है। अच्छा सर, इसमें कार्बोनेट क्यों नहीं बना, कुछ याद आ रहा है किसी को? कई दिन हो गए लेकिन फिर भी वो डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोलाइज बोलना, हाइड्रोलाइज हो जाता है, सॉरी सर, सॉरी सर, क्या होता है हाइड्रोलाइज, ये और एल्युमिनियम का भी, हाँ एल्युमिनियम का भी, क्रोमियम का भी, इसका भी, और एसिटेट अगर डाल दोगे तो क्या बनेगा आपको, पीपीटी। ये सारी रिएक्शन हमने एल्युमिनियम की भी कराई थी, क्रोमियम की भी कराई थी, तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, एल्युमिनियम पढ़ लिया, क्रोमियम पढ़ लिया तो ये भी हो जाएगा, क्या होगा, ब्राउनिश रेड पीपीटी, ठीक है। तो इसमें से जो आ सकता है वो ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ उतना खास नहीं, और ये तो भैया अभी अभी जेई मेंस में आया था कुछ सालों पहले, ये तो सबको याद है ब्लड रेड का पीपीटी बनता है। इसके बाद जो मैं 10th रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ ना, मैं भाई से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आपने देखा भी होगा, इवन IIT एडवांस में आया हुआ है, प्रूशियन ब्लू सुना होगा ना, टर्नबुल्स ब्लू, याद आ रहा है कुछ? देखें, आइए चेक करते हैं, ये हैशटैग रिएक्शन है, ये क्या हैशटैग, आप बताना क्या बनने वाला है कॉम्प्लेक्स, आयरन प्लस थ्री का, एक बार आयरन प्लस टू का, आपको प्लस टू वाला याद हो चाहे ना याद हो, प्लस थ्री वाला याद होना चाहिए। इसको एक बार हम कराएंगे अपने फेवरेट से, K4Fe CN6, और एक बार अपने फेवरेट से, नहीं सेम कहानी, एक बार फेवरेट से और एक बार K3 वाले से, अब पता है ये वाला एडवांस में पूछ रखा है, एडवांस 2009 के कॉम्प्रिहेंशन में 12 नंबर का आया था, क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा इस वाले में, बताओ फॉर्मूला, किसी को पता है? नहीं बनेगा है? अच्छा वो प्लस टू, हाँ तो बनेगा, ये प्लस थ्री, ये प्लस टू, ये बनेगा Fe, क्या बनेगा Fe, यहाँ पे प्लस थ्री है, कितना है, प्लस थ्री है, मतलब ये चार्ज आपको लिखो चाहे मत लिखो, और ये FeCN6, बताओ क्या बनेगा कहाँ पे, हाँ देखो इसमें प्लस टू है ना, बताओ डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, प्लस फोर माइनस फोर, कितना आएगा, माइनस फोर,
अच्छा यहाँ माइनस फोर है, यहाँ प्लस थ्री, बताओ क्या करूं मैं? यहाँ माइनस फोर, यहाँ प्लस थ्री, क्या करूं मैं? उधर फोर उधर थ्री, मैं कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ फोर यहाँ पे थ्री, ये मैंने आईयूपीएससी नेम में भी कराया था। इसका कलर बताऊं मैं क्या है? प्रूशियन ब्लू, हेलो प्रूशियन भी बोलते हैं, मैं प्रूशियन प्रोनाउंस करता हूं। कैसा है? प्रूशियन ब्लू, ठीक है। चलो ध्यान सुना ध्यान से, यहां पे थ्री प्लस था और यहां पे टू प्लस था, तो क्या बना है? प्रूशियन ब्लू। अब मैं रिवर्स कर रहा हूं, यहां पे प्लस टू और यहां पे प्लस थ्री, बताओ तुम बताओ क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? चलो बताओ, फॉर्म बताने वाला है, बड़ा आसान सा है। अरे कॉम्प्लेक्स लिखो, FeCN6। हाँ ये सही है, FeCN6। बताओ यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो क्या आएगा x y? 302। सबका आंसर बताओ, सब लोग बताओ भाई। देखो यहाँ पे प्लस थ्री है और यहाँ पे प्लस टू है, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस थ्री, तो यहाँ क्या कर देंगे? थ्री कर देंगे, यहाँ पे टू। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर बाहर थ्री अंडर टू है तो उसे बोलते हैं प्रूशियन ब्लू, और अगर बाहर टू अंदर तीन है से बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। क्या बोलते हैं? टर्नबुल्स ब्लू, मतलब कलर का नाम है। तो आप ध्यान रखना, बाहर तीन अंदर दो प्रूशियन ब्लू, बाहर दो अंदर तीन क्या? टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है। अब ये देखो यहां क्या बनेगा, ये भी प्लस थ्री है, इसको बस रिप्लेस कर दे, कुछ होगा नहीं, दोनों तीन तीन है, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? FeCN6, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस थ्री, प्लस थ्री न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे आएगा K2FeCN6। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बनता है ब्राउन कलर का और ये बनता है वाइट कलर का, ठीक है। ये उतने फेमस नहीं है जितने फेमस प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू है। ये भाई साहब मैं हैशटैग तो लगाया हूं, साथ में बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई साहब ये प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू क्या है? आइडेंटिकल है ना, यहाँ पे तीन दो है तो प्रूशियन और दो तीन है तो क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखना, ये आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्राउन पीपीटी है ना, ब्राउन वाली पीपीटी, इस ब्राउन पीपीटी में अगर आपने डाल दिया क्या, तो ये ब्राउन वाली में, सर नीचे में कौन सा ब्लू है? टर्न बुल्स ब्लू, TURN, टर्न बुल होता ना, बैल मुड़ गया क्या ही था इसमें, H2O2 और SNCL डाल दिया, तो आपको ब्लू कलर की पीपीटी मिलती है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इंफॉर्मेशन दिया कि अगर आप क्या डालोगे, H2O2 डालते हो, SNCL डालते हो, तो ये जो ब्राउन कलर की पीपीटी है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखना टर्नबुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप फोर। कौन सा स्टार्ट करेंगे? ग्रुप फोर। बताओ ग्रुप फोर में कौन कौन से एलिमेंट है? बताओ ग्रुप फोर में कौन कौन से एलिमेंट है? निकल, मेरा जानू कोबरा निकला, मैंगनीज, जिंक और निकल और कोबाल्ट। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप फोर सल्फाइड्स, आपको रिएजेंट याद ही होगा, एस्ट्रोस डालते हैं बेसिक मीडियम में, बताओ कौन कौन सा था? मेरा
जानू कोबरा निकला, गजब की ट्रिक थी भाई साहब ये, है ना। अब ये किसमें घुलेगा देखो, अगर मैं डालूं डाइल्यूट HNO3, फिर मैं डाल दूं डाइल्यूट HCl और क्या CH3CH, MnS तीनों में घुलता है डाइल्यूट। अच्छा डाइल्यूट HNO3 में सब घुल जाएगा, नाइट्रेट बना लेगा ना, और नाइट्रेट सॉल्ट और वाटर सॉल्युबल सब में घुल जाएगा। डाइल्यूट HCl क्या घुलेगा, फिर मेरा जानू घुलेगा, और एसेटिक में तो सिर्फ यही घुलता है, बाकी कोई नहीं घुलते। ठीक है, तो ये है इनकी सॉलिबिलिटी। कैसे घुलता है मैं बता देता हूं। कोई भी मेटल सल्फाइड हो, मतलब मेटल कौन कौन है, Mn, जिंक, कोबाल्ट और निकल, अगर आपने डाल दिया क्या नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या बना लेगा, मेटल नाइट्रेट बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। जो सल्फर था वो ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा, 0-2 में, ठीक है, वाटर निकल जाएगा। ऐसे घुल गया ये नाइट्रेट में, HCl में क्या बनेगा बताओ, ये जो MS था कौन कौन था, Mn और Zn, ये HCl में क्या बना लेंगे, ये MCl2, और ये क्या है, सॉलिबल है। NiCl2 और COCl2 क्या है, इनसॉलिबल होते हैं, और ये H2S हो जाएगा। और एसिटेट में सिर्फ एक ही घुल रहा है, वो कौन है, वो है सिर्फ MnS, कहाँ घुल रहा है वो, CH3COH में, बताओ क्या बनाएगा, वो बनाएगा मैग्नीज एसिटेट और H2S, क्या बनाएगा, मैग्नीज एसिटेट और H2S। तो देखो ये बता दिया कि घुल रहा है, क्या बना के घुल रहा है, वो ये रहा, ठीक है। देख लो सब लोग, कोई समस्या कोई परेशानी, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, Mn वाला, Mn2+। Mn2+ क्या होगा बताओ, देखो KI और KCN इसमें एप्लीकेबल नहीं है, KI और KCN इसमें एप्लीकेबल नहीं है। पहला कौन सा एप्लीकेबल है, NaOH, तो बड़ा प्यारी बात है कि क्या बन जाएगा, MnOH का होल ट्वाइस। Mn2+ है, कैसा होता है, पिंक होता है और हल्का सा वाइट, मतलब वाइट इज पिंक, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं। और अगर मैं डाल दू एक्सेस में कौन बताएगा, घुलेगा नहीं घुलेगा, घुलेगा नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, एम्फोटेरिक नहीं, एम्फोटेरिक ही क्या करते हैं, NaOH में घुलते हैं, ठीक है। ये जो MnOH का होल ट्वाइस है, अगर आपने इसमें डाल दिया ऑक्सीजन है ना, और क्या डाल दिया H2O2 है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये काफी स्लो प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है, काफी फास्ट होता है। ये दोनों कहाँ जाते हैं, ये दोनों जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, MnO2.H2O। ये पिंक वाइट पीपीटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ब्राउन कलर की पीपीटी में, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आपका पिंक पीपीटी बना है उसमें डाल दो ऑक्सीजन, तो काफी धीमे धीमे वो क्या बनेगा, ब्राउन। अगर आपको ये प्रोसेस फास्ट करना है, क्या डाल दोगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दोगे, ठीक है। दूसरा Mn2+ में डाल दिया NH4OH, क्या बन जाएगा, ये वहां पे नहीं है स्पेस, मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी बना लेगा MnOH का होल ट्वाइस, कलर में लिख दिया पिंक और वाइट, और यहां पे क्या निकल जाएगा, NH4+, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस रिएजेंट, बट सॉल्युबल इन किसमें, NH4+ सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट में सॉल्युबल है, बाकी सब में क्या है, एक्सेस में इनसॉल्युबल है।
अच्छा फिर से एक कहानी ध्यान से सुनना, ध्यान से देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं। Mn2+ मैं डाल दिया H2S नॉर्मल, H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और अमोनियम सल्फाइड। बताओ किसमें रिएक्शन होगी, H2S, H2S एसिडिक, H2S बेसिक और अमोनियम सल्फाइड? बेसिक। इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती, क्यों? कार्बन एनफेड लग जाता है इसमें, इसमें कंटेंट कम है, वीक एसिड। इसमें बन जाएगा और इसमें तो भैया आयन फॉर्म में है ही। व्हाट इज कलर? बफ, फ्लैश कलर। हाँ, पिंक होता है, बफ होता है या फिर मीट वाला फ्लैश, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा, डी ब्लॉक में मैंने देखो थोड़ा ही पढ़ाया था, तो डी ब्लॉक में यहां कवर कर रहा हूं ये सारे कंपाउंड क्या है डी ब्लॉक के हैं, जो सारे कंपाउंड हैं किसके कंपाउंड है डी ब्लॉक के हैं। तो आप मैं समझा कि सर डी ब्लॉक नहीं पढ़ाए, यही सब डी ब्लॉक ही है, ये वहां पढ़ाता मैं। ये जो फोर्थ रिएक्शन है ये उसी को पर्सपेक्टिव मान के मैं लिख रहा हूं। Mn2+ को मैं डाल दिया HPO42-, तो ये जरूरी नहीं कि सॉल्ट एनालिसिस में आए, ये डी ब्लॉक में पूछ सकता है, ठीक है। एक बार इन एब्सेंस ऑफ NH4Cl और एक बार इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। बताओ देखो ये क्या है, याद है H3PO4 में से 2H निकल चुका है, तो भी बनेगा तो फॉस्फेट ही, क्या बन जाएगा मैग्नीज फॉस्फेट, H+ निकल गया। और अगर NH4+ है तो एक Mn आएगा और एक NH4 आएगा, तो यहाँ पे +2 यहाँ +1 और ये बन जाएगा फॉस्फेट। और दोनों का कलर कैसा है, पिंक कलर की PPT, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आप बताना Mn2+, मैं फिर से बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि ये सॉल्ट एनालिसिस में आए, लेकिन एडवांस वाला दे सकता, बोलेगा भैया हम कहाँ जा रहे हैं, ये 4-5 में बताओ, एक PbO2 है, एक थायोसल्फेट है, एक NaBiO3 है और एक पर आयोडेट है। सुना होगा पर आयोडेट एसिड, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पर आयोडेट आयन, पर आयोडेट आयन। अब ध्यान से देखो क्या रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन होगी रेडॉक्स। आपको पता है कि Pb+4 क्या होता है, अनस्टेबल, ये +2 में जाना चाहेगा, तो ये जो Mn2+ है ना भाई, ये कहां जाएगा MnO4- में, कहां जाएगा MnO4- में, बताओ क्या बनेगा, ये MnO4- तो बनेगा ही, बाकी क्या बनेगा, ये अपना बढ़ा लिया दूसरे का घटाएगा, बताओ +4 से कहां जाएगा, सोचो +2 PbO +2 में जाएगा, PbO में जाएगा, आयनिक फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है समझ जाना आयनिक फॉर्म। देखो ये थायोसल्फेट है, थायोस कर रहे हैं, ये परोक्सोडाई, क्या बोलते हैं, परोक्सोडाई सल्फेट है ना, ये कहां जाएगा, इसका परोक्साइड रहेगा, कहां जाएगा सल्फेट में, बताओ बिस्मिथ कहां पे है, ये जल्दी सोचो, निकालो ऑक्सीजन नंबर और कहां जाएगा, सोचो प्लस, ये +5 है, कहां जाएगा +5 से +3 में, प्लस, क्योंकि थ्री स्टेबल है, ये कहां पे है +7 से, सोचो ये अपना बढ़ा है, इसका कम करेगा, 7 से कहां जाएगा, ये 5 में, इसको बोलते हैं आयोडेट आयन, क्या बोलते हैं आयोडेट। तो मैंने इसमें डी ब्लॉक भी आपका कवर कर दिया, ठीक है, कि अगर कोई डी ब्लॉक का क्वेश्चन आया तो आपसे गलत नहीं होगा, ओके। देख लो ध्यान से, इसमें ऐसा कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है, मैं DPP भेजूंगा उसको बनाना,
तो आपसे हो जाएगा। चलो तो ये छोटे छोटे हैं, जिंक टू प्लस, के आई और केसीएन एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे जिंक टू प्लस में क्या आएगा, NaOH। आप बताना क्या बनेगा पीपीटी, किस कलर का होगा और सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। दूसरा Zn2+ NH4OH, तीसरा Zn2+ H2S। कौन सा मीडियम चाहिए पता है बेसिक, क्यों वहां पे टाइम वेस्ट करें। चौथा Zn, ये इंपॉर्टेंट है, Zn2+ और Na2CO3, ठीक है। कृपया ध्यान से देखें, ये बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, और जिंक के सारे सॉल्ट क्या होंगे, क्या होंगे, बाइट होंगे, क्योंकि डीटेन सिस्टम होता है, बस एक हैशटैग आएगा। बताओ एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, पंजाबी अली एम्फोटेरिक है, क्या होगा सॉल्युबल। सर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए सिखाओ हमें, जिंक है प्लस फोर आएगा, प्लस टू इस पे कितना आएगा माइनस फोर, यहाँ आएगा माइनस टू, यहाँ बन जाएगा Na2, तो कॉम्प्लेक्स भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है ये। अच्छा सपोज अगर मैं बोलूं कि आपको H2S से करा के रिएक्शन ZNS की पीपीटी मिल जा रही है वाइट, बताओ ये परफेक्ट होगा या इम्परफेक्ट होगा। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, क्योंकि भाई साहब CMAI टेस्ट नहीं देते, लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में दे दिया तो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी एक्सेस में क्या होगा, भूल जाएगा Na2, मतलब जो ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, मैं बोलूंगा कि जो ऊपर लिखा यही है, ठीक है, परेशान मत होना सर ये दिख नहीं रहा क्या लिखा है, Na2ZnOH का होल पोर लिखा है। सेम ये भी क्या होगा, इम्परफेक्ट होगा, यहाँ क्या बनेगा ZnS वाइट पीपीटी, ये स्टार मार्क है, सिर्फ ZnCO3 नहीं बनता, साथ में क्या बनता है, थ्री टाइम्स जिंक हाइड्रोक्साइड। मैंने बता रखा है कुछ कुछ ऐसे हैं जो बेसिक बनाते हैं, और इसके कलर आपको चिंता करना ही नहीं, कैसा है वाइट। अगर हम इसे हीट कर दें, क्या करते हैं हीट, तो ये बन जाता है ZnOCO2 प्लस वाटर, किसी भी कार्बोनेट को हीट करो वो कहाँ जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, पानी यहां से आ जाएगा। ZnO को हम लोग बोलते हैं फिलोसफर्स वूल, क्या बोलते हैं फिलोसफर वूल। इसकी एक प्रॉपर्टी में भी आपको याद आ जाए, सॉलिड स्टेट ZnO को अगर हम हीट कर दें तो वो ZnO में ही रहता है, और कूल करने पे भी ZnO में ही रहता है। बताओ कब ठंड, अरे कब वाइट होगा कब येल्लो होगा, जब कोल्ड है तब क्या होगा और जब हॉट है तब क्या होगा। बहुत फेमस है, बहुत फेमस, कोल्ड में वाइट होगा, कोल्ड में क्या होगा वाइट, और हॉट में क्या होगा येलो, येलो। अच्छा सर अभी तो आप बोल रहे थे कि जिंक के सारे कंपाउंड वाइट होते हैं, यहाँ तो येलो हो गया, बताओ किस कारण होता है येलो, याद आ रहा है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। फ्रेंकल, कौन सा फ्रेंकल वाला जो था यार, फ्रेंकल नहीं, हाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनायनिक वैकेंसी या एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल एक्सेस तो है, दो होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान रखना सिर्फ यही है जो येल्लो होता है, सिर्फ यही है जो येल्लो होता है। तो देखो हर चीज में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ओके देख लो। जैसी मैग्नीज की मैंने ये रिएक्शन लिखी थी ना, यहीं पे जिंक लिख दो, सेम टू सेम आ जाएगा, जैसे दिखा रहा हूं, देखो कौन सा नंबर होगा ये, पांचवा,
Zn 2 प्लस क्या डाल दिया HPO4 2 माइनस, एक बार क्या एब्सेंस ऑफ NH4Cl मतलब नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl तो सिंपली क्या बन जाएगा जिंक फॉस्फेट, और अगर है तो भैया एक तो अमोनियम भी लगा दो इसमें क्या ही है PO4, ठीक है Zn NH4 और PO4, बताओ क्या लगता है वहां पे पिंक था यहां पे क्या आएगा, व्हाट इज द कलर व्हाइट, सिंपल सी बात है जिंक का क्या होगा व्हाइट, ठीक है सर कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें एक रिएक्शन हैशटैग है Zn2 plus in presence of K4FACN6 क्या पूछेगा ये K2Zn का होल थ्राइस ये बन जाएगा FeCN6 और होल ट्वाइस, देखो पहले माइनस फोर था क्या था माइनस फोर हमने यहां ट्वाइस कर दिया कितना हो गया माइनस एट, कितना हो गया माइनस एट तो जिंक पे कितना होता है प्लस टू तो तीन ले लिया कितना हो जाएगा प्लस सिक्स और प्लस टू, और कहीं कहीं ऐसा भी लिखोगे Zn2 अगर आप सर हम ट्वाइस न लें तो मत लो कितना रहेगा माइनस फोर रहेगा और जिंक पे कितना है प्लस टू कितना जाएगा प्लस टू आ जाएगा, ठीक है और सबसे प्यारी बात है ये भी कैसा है व्हाइट और एम्फोटेरिक है जिंक तो क्या होगा NaH में घुल जाएगा, ठीक है तो जिंक में ये सारी रिएक्शन आपको याद करने तो नहीं है आप डीपीपी बनाओगे तो मे भी आपको मिले रटने की कोशिश मत करना ये ध्यान रख सकते हो आप चाहो तो चारों के रिप्लेस कर दो या फिर दो मॉलिक्यूल लेके रिप्लेस करो, तो ये था मेरा जानू Mn और Zn, ठीक है लास्ट पेज ये अरे कहाँ गए लास्ट पेज चलो अच्छा निकल का बताओ मैंने एक टेस्ट आपको पहले बता रखा था क्वार्सन कंपाउंड में वही है ही बक और कुछ है ही नहीं बताओ क्या है याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है क्या था निकल का रोजी रेड पीपीटी बना था रोजी रेड पीपीटी और डीएमजी के साथ वेरी गुड तो निकल प्लस टू और डीएमजी इसका एक ही है अमोनिकल सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ये बनता है एनआई डीएमजी का होल ट्वाइस और कलर तो सबको याद ही होगा कैसा है रोजी रेड पीपीटी लेकिन देखो ये आपको क्या है आयन चाहिए अगर निकल की क्या होगा सीट होगी मतलब जैसे होता ना चादर जैसे ये हो गया निकल सीट तो इससे रिएक्शन नहीं करेगा डीएमजी इससे डीएमजी आपको कोई पीपीटी नहीं देगा आयन फॉर्म में होना चाहिए एटम फॉर्म में नहीं क्या बोला मैं निकल एटम फॉर्म में होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा आयन फॉर्म में होगा तो रिएक्शन कर लेगा ठीक है एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना क्योंकि निकल का कुछ है नहीं इसके अलावा तो डीएमजी का इंफॉर्मेशन देखिए अगर आयरन डीएमजी के साथ करेगा सपोज तो वो भी क्या देगा रेड कलर देगा कोबाल्ट अगर डीएमजी से किया तो वो ब्राउन कलर देगा और अगर बिस्मथ किया डीएमजी से तो येलो देगा ठीक है ये मैं क्योंकि देखो ये बहुत फेमस हो चुका है ये बहुत फेमस हो चुका है अगर कुछ नया पूछा आईआईटी तो ये पूछ सकता है मतलब फ्यूचर में अभी तो उतना चांसेस कम है क्योंकि अभी इसी पे फोकस कर रहा है वो तो निकल का तो बस इतना ही टेस्ट था और कुछ नहीं था सिमिलरली कोबाल्ट का भी बहुत छोटा सा है कोबाल्ट का भी एक ही टेस्ट है टेस्ट विथ के एन ओ टू क्या है टेस्ट विथ KNO2 तो CO H2O का 6
क्या डाल दो, टू प्लस, इसमें डाल दो के एन ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, क्या बन जाएगा सी ओ एच टू ओ का सिक्स, यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस थ्री, और यहाँ पे गैस निकलेगी एनओ। यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, मे भी शायद मैंने बताया है नहीं बताया, मे भी आप कैच कर पाओ, सी ओ एच टू ओ सिक्स का थ्री प्लस एन ओ टू माइनस, जो यहां से बच गया, जो यहां से बच गया, ये एक सॉल्ट बनाता है, उसका मैं नाम दे रहा हूं, आप बताना कि आपको याद आ रहा है क्या, उसका नाम है फिशर सॉल्ट, येलो पीपीटी होता है, अगर किसी ने सुना है तो बताएं, फिशर सॉल्ट बहुत फेमस है, मतलब या फिर सोचो बनाओ क्या बनने वाला है, इसी में बनाओ, पानी को रिप्लेस करो नेटो से, क्या बनेगा, मछुआरा सॉल्ट, ये बनता है के थ्री सी ओ एनओ टू का सिक्स, के थ्री सी ओ एनओ टू का सिक्स, क्या है ये फिशर सॉल्ट है, काफी नामी गिरामी सॉल्ट है, मे भी आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैंने सुना दिया, ठीक है। तो मेरा जानू कोबरा निकला में इतना ही था और कुछ नहीं, तो अब मैं बोल रहा था ना भैया एक बार शुरू हो गया छोटा छोटा सब बचेगा बस, आके कुछ नहीं है, ठीक है, चलो देख लो सब, अब क्या आएगा आपका ग्रुप फाइव, ग्रुप फाइव बहुत छोटा सा ग्रुप फाइव है, शुरू होते ही क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, आप बोलोगे अरे सर क्या हो गया, है ही छोटा सा, बताओ कौन था ग्रुप फाइव में, कौन का टाइम था, जल्दी बताओ, ग्रुप फाइव में कौन था, भारत सरकार, भारत सरकार, बी ए टू प्लस, एस आर टू प्लस, कैल्सियम टू प्लस, इसके रिएजेंट आपको याद है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, क्या बनेगा इनके कार्बोनेट, BaCOCO3, SrCOCO3 और CaCO3। वैसे तो ये पीपीटी है लेकिन ये तीनों के तीनों किसमें सॉल्युबल हैं, एसेटिक एसिड में, किसमें सॉल्युबल हैं, एसेटिक एसिड में, ठीक है। अब अगर हम इनका टेस्ट करना चाहें, टेस्ट में देखो क्या है, मैं एक चार्ट बना के बता रहा हूं ताकि आपको आसान से लगे, भारत सरकार ले लिया हमने और तीन टेस्ट ले रहे हैं, मतलब तीन एनायन, एक बार अमोनियम क्रोमेट, आपको याद है ये ऑलरेडी डन हो चुका है इसलिए छोटा हुआ है, आप कहते हम लोग पीपीटी रिएजेंट लिए थे, है ना, बताओ कौन से पीपीटी थे, AgNO3 और लेड स्टेट, और तीन और था BaCl2 SrCl2 CaCl2, अरे वही तीनों तो हैं, है ना, NH4 twice SO4 और NH4 twice oxalate, ठीक है। देखो यहां बन जाता है BaCrO4, कैसी पीपीटी, येलो पीपीटी, और यहां पे कोई पीपीटी नहीं बनती, क्रोमेट सॉल्ट का अगर आप वो देखेंगे सॉलिबिलिटी चार्ट तो आपको दिखेगा कि ये सॉलिबल है, ठीक है, और यहां क्या बन जाएगा BaSO4 SrSO4 और ये सॉलिबल, तो सल्फेट के सॉल्ट तो क्या होते हैं, वाइट होते हैं, और ऑक्सिलेट में तो तीनों आ जाएगा, बेरियम ऑक्सिलेट, स्ट्रॉन्शियम ऑक्सिलेट और कैल्शियम ऑक्सिलेट, अच्छी बात यह है कि तीनों को तीनों क्या है, वाइट है, तो आपको सिर्फ यह याद रखना, नहीं बिल्कुल याद नहीं रखा, क्रोमेट तो आपको पता है चार कलर आए, मतलब चार टोटल छह आएगा, चार पीले दो लाल, वो मैं लास्ट बताने वाला हूँ कौन से पीले कौन से दो लाल, और बाकी जितने भी सल्फेट ऑक्सिलेट यहाँ पे सब क्या है,
वाइट है, सबके सब क्या है मेरे भाई, वाइट। ठीक है, अब ध्यान से कैल्शियम वाला देखो यहां पे क्या है, घुला हुआ है, लेकिन ये कब घुलेगा कैल्शियम पता है, एक्सेस में रहेगा तब, नहीं तो वो आपको CSO4 दे देगा। तो यहां पे जो मैं ले रहा हूं ये एक्सेस लिख दिया मैं, कि अगर मैं एक्सेस नहीं लिखूंगा तो कैल्शियम सल्फेट की भी आपको पीपीटी दिख जाएगी, मतलब कि अगर आप कैल्शियम 2+ ले लोगे और क्या ले लोगे, NH4 twice SO4 किसमें, एक्सेस में, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट का एक सॉल्युबल, मतलब CSO4 का होल ट्वाइस है, CSO4 की पीपीटी होती है, ये क्या होगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, लेकिन तब होगा जब ये एक्सेस में होगा, एक्सेस में लोगों तो कैल्शियम सल्फेट की पीपीटी मिल जाएगी। सोचो कितना छोटा सा था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भैया ये येल्लो होता है, वो भी आपको मैं याद करा दूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, तो जिस प्रकार जिंक की एक रिएक्शन थी ना K4FeCN6 है, वैसे कैल्शियम की भी एक है, वैसे क्या है कैल्शियम की भी एक है, कौन सी है, कैल्शियम 2+ K4FeCN6, क्या बनता है ये K2CaFeCN6, कलर क्या होगा वाइट, पीपीटी कलर क्या होगा वाइट। देख लो ग्रुप फोर में कितना है, बस यही एक है जो इंपॉर्टेंट है ग्रुप फोर में, ग्रुप फाइव में एक ये है, और क्या था, कैल्शियम का K4 एफिशिएंसी से टेस्ट, दिख रहा सबको, चलो तो अब तो छोटा सा बचा है, देखे लो ग्रुप सिक्स बताओ, ग्रुप सिक्स में कौन कौन से थे, जल्दी बताओ ग्रुप सिक्स में कौन कौन से थे, मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम। देखो जो सोडियम है ना, इसके लिए तो कोई, देखो इसका तो कोई ग्रुप एजेंट था ही नहीं, तो भाई साहब सोडियम का तो फ्लेम टेस्ट ही क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, कि भैया क्या कर लो, फ्लेम टेस्ट कर लो, गोल्डन येलो दिख गया तो क्या बोल दो, सोडियम है। ओके, और अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो आपने देखा होगा कि जितने भी सोडियम के सॉल्ट हैं वो सब क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, याद आ रहा है, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल था, सब लिखवा रखा हूं मैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं, कुछ वो आपको बता देंगे लेकिन इतना आता नहीं, आर इनसॉल्युबल, लेकिन मोस्टली जो सोडियम के दिखेंगे क्या दिखेंगे आपको, सॉल्युबल दिखेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ खास टेस्ट है नहीं, क्योंकि फ्लेम टेस्ट ही क्या हो गया इसका, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट विथ KH2SBO4 पोटेशियम हाइड्रोजन एंटीमोनेट, है ना, SB क्या है, एंटीमनी है, तो सोडियम अगर आप करोगे तो सोडियम क्या करेगा, पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, NaH2SBO4, वाइट कलर की पीपीटी मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा इसमें ऐसा कोई खास टेस्ट नहीं, बस एक रिएक्शन आप देख सकते हो, कभी अगर पूछना चाहे IIT वाला भैया, हमें ग्रुप सिक्स से पूछना ही पूछना है, मतलब और कोई चांस नहीं कि भाई नहीं जबरदस्ती पूछना है, तो क्या पूछेगा वो, ठीक है, वो पूछेगा टेस्ट विथ मैग्नीशियम यूरेनिल एसिटेट,
मैग्नीशियम यूरेनिल एसिटेट, ये क्या होता है देखो ध्यान से, लेकिन बहुत ज्यादा खास नहीं। Na प्लस, Mg2 प्लस, UO2 प्लस और एसिटेट CH3CO माइनस, इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम यूरेनिल एसिटेट। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम यूरेनिल एसिटेट, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा एक सोडियम मैग्नीशियम UO2 का थ्राइस और एसिटेट, ये आपको शायद थोड़ा सा छोटा दिखे लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको दिख जाए, CH3CO का 9। ये एक पीपीटी है जो येलो कलर की होगी, कैसी होगी, येलो पीपीटी, NaMgUO2 का थ्राइस और एसिटेट 9। अब ध्यान देखो, एसिटेट पे चार्ज क्या होता है, माइनस वन, तो यहां कितना गया माइनस नाइन, कितना गया माइनस नाइन, इस पे चार्ज क्या था प्लस टू, तो प्लस टू इंटू प्लस थ्री कितना, सॉरी प्लस टू इंटू थ्री कितना हो गया प्लस सिक्स, इस पे कितना हो गया प्लस टू, कितना हो गया प्लस एट, इस पे कितना हो गया प्लस वन, नाइन। तो आप ऐसे बैलेंस करके देख सकते हो कि क्या बनेगा फॉर्मूला अगर आप रटना नहीं चाहते तो। ठीक है, तो मेरा देखो, मेरा मेन देखो, अगर आप कोई बुक पढ़ते उसने बोलता फ्लेम टेस्ट हो गया खत्म कहानी, मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब अगर कुछ भी वो पूछे एडवांस वाला कुछ भी पूछे तो इससे बाहर वो नहीं जा सकता। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको याद है एक हमने पढ़ रखा है, ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैग्नीशिया मिक्सचर याद आ रहा है किसी को, क्या किसी को मैग्नीशिया मिक्सचर याद आ रहा है? सर याद तो नहीं आ रहा है। अच्छा बता दो, मैग्नीशिया मिक्सर किसके टेस्ट में आया था, क्या पढ़ा था? किस एनायन के टेस्ट में आया था मैग्नीशिया मिक्सर? याद आ रहा है नहीं? Mg2 plus NH4Cl NH4OH, इसी मिक्सर को हमने नाम दिया था मैग्नीशिया मिक्सर, और आपको एक पीपीटी मिली थी याद आ रहा है Mg, ये भाई साहब ओलंपियाड में आ चुका है वाइट कलर की पीपीटी, और जब हीट किया था तो एक मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट आपने बताया भी था फॉर्मूला, और कौन सी गैस निकलती है अमोनिया, और साथ में क्या निकल जाएगा पानी, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, क्या नाम है, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट। तो ये हमने ऑलरेडी फॉस्फेट आयन के टेस्ट में पढ़ रखा था, ठीक है, और दूसरा जो है वो NaOH के साथ है, कुछ नहीं बस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा पीपीटी राइट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये किसका है, मैग्नीशियम का है। जो लास्ट टेस्ट आज बचा है वो कौन है, जीरो ग्रुप, वो कौन है, जीरो ग्रुप। देखो अमोनियम आयन में जितने भी सिंपल सॉल्ट है ना, ऑल सिंपल सॉल्ट्स आर क्या, वाटर सॉल्युबल। आपने देखा होगा कि अमोनियम के जो जनरल सॉल्ट थे वो क्या थे, सॉल्युबल थे, एक्सेप्ट फ्यू कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स छोड़ के बाकी सब क्या थे, घुल जाएंगे। यहां लिखा है एक्सेप्ट फ्यू कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, तो देखो ध्यान से, यहां पे तीन टेस्ट कराते हैं अमोनियम के,
अमोनियम क्या कराते हैं, तीन टेस्ट, एक कराते हैं Na3CO NO26, अदरा K3CO NO26 फिशर सॉल्ट, और एक लेते हैं H2PtCl6, और एक लेते हैं NaHC4H4O6 NaHC4H4O6। अच्छा ये बताओ हमें, ये कुछ नहीं है सोडियम पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट है, टार्ट्रिक एसिड वही है ये। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ H2PtCl6 बताओ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लिखो आप लोग व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ H2PtCl6। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ के आयन को रिप्लेस कर देना, हो गया आंसर हमारा, यहाँ के आयन को रिप्लेस कर देना है, हमारा आंसर हो गया। आप हमें इसका एब्सिस नेम बताओ, सिस प्लेटिन, ये पगले ऐसा नहीं है, वो PtNH3 का ट्वाइस Cl2 होता है। अरे किसी को नहीं पता, गजब कर रहे, इसका आईपीसी नेम बताओ, और ये है ना जो ये होता टार्टरिक एसिड, ऐसा आपने देखा होगा COH COH OH OH और H और H, तो यहाँ क्या किया है, एक H रहने दिया है और क्या कर दिया यहाँ पे Na कर दिया है, तो यही बना है सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट। ये हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरिडो क्लोरोप्लेटिनेट, नहीं गलत है, यही तो गलती है सप्तर्षी मेरे भाई, तभी तो मैं पूछा हूं। देखो ये कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं इसका कलर क्या है, यहां देख लो ये कॉम्प्लेक्स बना है येलो, ये कॉम्प्लेक्स बना है येलो, और ये कॉम्प्लेक्स है व्हाइट, येलो येलो व्हाइट, येलो येलो, और ये क्या है व्हाइट, येलो येलो व्हाइट। लेकिन अभी तक भैया बताओ यार, इतने लोग पढ़ रहे हैं और एक लोग भी नाम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा लिखा तो है प्लेटिनिक 4-क्लोरिडो एसिड, नहीं हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम 4, नहीं गलत, बताओ सब पढ़ा दिया और इसी में तुम लोग फेल हो रहे हैं। भैया इसका नाम होता है एसिड के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं हेक्सा, क्या लिखते हैं हेक्सा क्लोरिडो या फिर क्लोरो, हेक्सा क्लोरिडो, और यहाँ क्या आएगा प्लेटिनिक एसिड, यहाँ पे 4 प्लेटिनिक 4 एसिड, ये नाम आएगा हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनिक 4 एसिड। एच नहीं लिखेंगे, जब एच होगा तो वहां पे मतलब एसिड है, इसलिए एसिड लिखते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या था सोडियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, और ये था K3 रखोगे तो क्या हो जाएगा फिशर सॉल्ट। ओके डन, अच्छा एक बात है, ये जो टेस्ट अमोनियम दिया है ये सेम टेस्ट बताओ कौन देगा, पता है पोटेशियम, जो टेस्ट मतलब यहां पे अगर आपने लिख दिया पोटेशियम क्या बन जाएगा K3, यहां पे K2 और यहां पे K, कलर सेम रहेगा येलो येलो व्हाइट, कलर क्या रहेगा सेम येलो येलो व्हाइट। तो अब डाउट सर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे पोटेशियम और अमोनियम के बीच में, क्योंकि दोनों टेस्ट दे रहे हैं, अगर दोनों टेस्ट दे रहे हैं तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे पोटेशियम और किसमें अमोनियम के बीच में, तो आइए बताते हैं आपको, इसको देख लो तो पोटेशियम का मैं यही पढ़ा दिया हूं क्योंकि अमोनियम का सेम टेस्ट होता है, लेकिन बता दे रहे हैं कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। K+ एंड
एनएच फोर प्लस। सपोज एक सोल्यूशन में दोनों अनायन है, सर दोनों कटायन है, के प्लस भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है आपके सामने एनएच फोर प्लस, तो मेरे लाल इसमें डाल दो एच सी एल ओ फोर, क्या डाल दो एच सी एल ओ फोर, क्या बन जाएगा के सी एल ओ फोर और एनएच फोर सी एल ओ फोर, ये सॉलिबल मिलेगा और ये आपको वाइट पीपीटी मिलेगी। अच्छा अगर हम इसे फिल्टर कर लें, क्या कर लें फिल्टर, तो मेरे भाई जो के सी एल ओ फोर है वो तो रेसिड्यू होगा, वो तो नीचे बैठा रहेगा, लेकिन जो एन एच फोर सी एल ओ फोर है वो किस में रहेगा, वो तो आपके टेस्ट ट्यूब के फिल्ट्रेट में रहेगा, बोलो हाँ ना। अच्छा अगर मैं इसमें डाल दूं एन ए ओ एच तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, अमोनिया गैस। बताओ अमोनिया गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, अमोनिया गैस कैसे टेस्ट करते हैं, एस सी एल डाल दो डेंस वाइट फ्यूम दिखेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि भैया अमोनियम आयन था। वेरी गुड, क्या डाल देंगे नेस्लर्स रिएजेंट डाल देंगे, चलिए याद था। हाँ के टू एच जी आई फोर इन प्रेजेंस ऑफ बेस ब्राउन पीपीटी मिल जाएगी, सब पढ़ा रखा है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, या फिर सुडियम सॉल्ट बना लो। तो अगर आपको एक रेसिड्यू मिल गया और बेस डालने पर अमोनिया गैस मिल गई, समझ जाओ भैया उसमें K प्लस यहाँ पे और अमोनियम यहाँ पे, एकदम तेजस वही मैंने किया, देखो आपका डाउट ही मैंने यहाँ पे लिखा है, अमोनियम का जो टेस्ट है वो अमोनिया बना दो और क्या कर दो नेस्लर सीजन कर दो। क्या बात समझ में आई सबको, आया ना, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे हमने ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अच्छा क्या मैंने आपको एक लास्ट डीपीपी भेजी थी क्या हीटिंग इफेक्ट की, डीपीपी नंबर 26 या 27 रही होगी, 28 हाँ सर भेजा आपने हीटिंग इफेक्ट, तो अब इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, है ना। हीटिंग इफेक्ट सॉल्ट एनालिसिस आपका खत्म हो चुका है, पहले क्या पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट, उसके बाद मैं आपको ढेर सारी ट्रिक दूंगा ताकि आपको कलर याद ना करना पड़े। और आपको याद है मैंने आपके लिए कलर की भी एक डीपीपी दी है लास्ट, हाँ है ना, उसमें सारे कलर लिखे होंगे, दो भैया था जब क्लास मैंने कैंसिल किया था, हीटिंग इफेक्ट और कलर की। तो ट्रिक तो मैं दूंगा, साथ में आपको डीपीपी दे रखी है कि अगर आपको दिक्कत हो तो। अब ध्यान सुनना, आज का समय है कल का समय है, तो कल मैं ये पढ़ाऊंगा कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, परसों मैं आपको करवाऊंगा पीवाईक्यूज कि कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए आप ना पूरा नोट्स एक बार रिवाइज कर लेना हल्का हल्का, जहां जहां स्टार है हैज है और जो पॉइंट मैंने बताया था। सर कब करवाएंगे पीवाईक्यू, ये मैं करवाऊंगा फ्राइडे को, ठीक है, ओके क्लियर है। सारे क्वेश्चन पहले मेंस भी कराएंगे एडवांस कराएंगे, फ्राइडे सुबह कर दीजिए। अच्छा देखो चलो देखते हैं।